ओके, तो एक्सेस को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में टाइप कर लेते हैं एक्सेस। तो इस तरह से एक्सेस विंडो ओपन हो गई है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेटाबेस। तो ब्लैंक डेटाबेस पर हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह की विंडो या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको सबसे पहले देना है फाइल नेम, तो यहाँ पर हम फाइल नेम असाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट्स एक फाइल नेम, और ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर लोकेशन सेट कर सकते हैं कि हमको कहाँ पर अपनी इस फाइल को यानी एक्सेस फाइल को सेव करना है। ओके पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है, साथ ही एक टेबल वन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो जो आप व्यू देख रहे हैं अभी डिफॉल्ट, वो एक डेटा शीट व्यू है। तो जब भी हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जो व्यू ओपन होगा वो बाय डिफॉल्ट एक डेटा शीट व्यू ओपन होता है। तो डेटा शीट व्यू में हम यहाँ पर फील्ड्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कॉलम हेडिंग्स में क्लिक टू ऐड लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स आ जाएंगे। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं हम। तो फील्ड वन में हम स्टूडेंट नेम लिख देते हैं और फील्ड टू में यहाँ पर हमने एज ले लिया है, और फील्ड थ्री में हम यहाँ पर कोई भी एक सपोज हमने यहाँ पर एड्रेस ले लिया। ओके अब तो ये हमारी फील्ड नेम सेट हो गई है, स्टूडेंट नेम एज एंड एड्रेस। ओके तो हम यहाँ से कॉलम विड्थ थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं, विड्थ को बढ़ा सकते हैं ताकि जो नेम है वो पूरी की पूरी तरह दिखने लगे। तो ये थ्री कॉलम्स हमारे सामने हैं, स्टूडेंट नेम एज एंड एड्रेस। तो हम इसी डेटा शीट व्यू में यदि हमको कोई नई फील्ड ऐड करना है, सपोज स्टूडेंट नेम के पहले हमको एक फील्ड ऐड करना है, तो हम यहाँ पर इस स्टूडेंट नेम फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट फील्ड, उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। और इस फील्ड में हम रोल नंबर फील्ड नेम असाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये जो फील्ड हो गई है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज एंड एड्रेस। अब हमें कोई फील्ड डिलीट करना है तो हम उस फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट फील्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिससे कि वो फील्ड डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टेबल को डिज़ाइन व्यू में कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम टैग के बाद एक क्रिएट टैब मिलेगा। तो क्रिएट टैब पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल्स का ग्रुप है जिसमें दो तरह की टेबल हम देख रहे हैं, टेबल और टेबल डिज़ाइन। तो टेबल डेटा शीट व्यू में आपको टेबल क्रिएट करना है तो टेबल पर क्लिक करेंगे, और डिज़ाइन व्यू में टेबल क्रिएट करना है तो हम टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। तो जब हम टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फील्ड नेम असाइन करेंगे। हमने यहाँ पर रोल नंबर दे दिया है फर्स्ट कॉलम में, फील्ड नेम में। सेकंड वाला स्टूडेंट नेम हमने असाइन कर दिया है। थर्ड वाला हमने एज असाइन कर दिया है, और उसके सामने आप देख रहे हैं जो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है वो है शॉर्ट टेक्स्ट। आप यहाँ पर फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा टाइप को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है तो हम यहाँ पर नंबर डेटा टाइप सेट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं। एज के लिए हम यहाँ पर अगेन नंबर डेटा टाइप सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं मोबाइल। तो इसके लिए भी हम नंबर डेटा टाइप ऐड कर लेते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हो गई हैं।
जो हमने डेटा टाइप के साथ में सेट कर दी है, दैट मीन्स फील्ड नेम के साथ में हमने उनका डेटा टाइप असाइन कर दिया है। अब हम साथ ही देखते हैं यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टीज, फील्ड की प्रॉपर्टी को सेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जिस भी फील्ड की हमें प्रॉपर्टी सेट करना है हम उसे सेट कर सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर एस नेम, और एस नेम के लिए कैप्शन में हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख देते हैं ताकि पता चले कि ये जो एस नेम फील्ड है वो स्टूडेंट का नेम है। मोबाइल नंबर फील्ड ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम वैलिडेशन रूल में वैलिडेशन रूल लगाते हैं ग्रेटर देन जीरो। तो कहने का मतलब है इस मोबाइल नंबर या मोबाइल वाली फील्ड में जब भी कोई यूज़र नंबर एंटर करेगा तो वो जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, और उसके लिए हम टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं यदि जीरो से कम कोई नंबर एंटर करता है वो तो क्या मैसेज या एरर मैसेज शो हो। तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन टेक्स्ट लिख लिया है नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब हम अपनी टेबल को, यहाँ टेबल टू है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर टेबल टू डिफॉल्ट नेम दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर स्टूड एक टेबल नेम दे दिया है और ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये यह मैसेज आ रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, तो प्राइमरी की डिफाइंड नहीं है अभी इस कॉलम में, और हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल क्रिएट हो गई है स्टूड, और फर्स्ट टेबल जो ऑलरेडी हमारी यहाँ पर क्रिएट थी वो हमने जो डिज़ाइन व्यू में क्लिक करी थी, इस टेबल पर भी हम राइट क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इसका जो नेम है हम स्टूड वन नाम से सेव कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ही डेटाबेस में है जो कि स्टूडेंट्स नाम का है, दो टेबल क्रिएट हो गई हैं, एक है स्टूड और एक है स्टूड वन। सो स्टूड एंड स्टूड वन यहाँ पर अलग अलग टेबल हो गई हैं। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं स्टूड टेबल को। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर जीरो है, ओके, और स्टूडेंट नेम यहाँ पर ब्लैंक है, एज भी ब्लैंक है और मोबाइल नंबर भी ब्लैंक यानी जीरो है क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप नंबर है। तो हम फिर से इस टेबल पे जब राइट क्लिक करेंगे तो इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं। यदि आपको और कोई चेंज करना है तो अगेन आप डिज़ाइन व्यू में जाके इसमें चेंज कर सकते हैं या फील्ड्स को और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की हम असाइन कर सकते हैं ऐसे कॉलम में जिसमें हमें वैल्यू को रिपीट ना करना हो या फिर उस वैल्यू को खाली नहीं छोड़ना हो, क्योंकि प्राइमरी की के ये रूल हैं कि जो भी कॉलम प्राइमरी की कॉलम होगा उसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, यानी कोई वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते, साथ ही उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो रोल नंबर को हम यहाँ पर प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि रोल नंबर में हम यूनिक नंबर ही स्टोर करेंगे, उसमें कोई डुप्लीकेट यानी एक जैसा रोल नंबर एक से ज़्यादा लोगों के नहीं होंगे, और साथ ही उस रोल नंबर फील्ड को हम खाली या एम्प्टी भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी की असाइन कर ली है रोल नंबर में। अगेन हम स्टूड टेबल को सेव कर लेते हैं, स्टूड टेबल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने रोल नंबर एंटर कर लिया, नेम एंटर कर लिया, एज एंटर कर ली, मोबाइल नंबर हमने एंटर कर लिया यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं सेकंड रो में। अब यहाँ पर एज एंटर कर लेते हैं, थर्ड वाली रो में हम यहाँ पर नेक्स्ट रोल नंबर असाइन कर देते हैं यहाँ पर और एक नया नेम दे देते हैं। एज यहाँ पर सेट कर देते हैं, माइनस में एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो होगा नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जो कि हमने वैलिडेशन टेक्स्ट के लिए लगाया था कि वैलिडेशन हमने जो रूल सेट किया था दैट इज नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो जब यूजर जीरो से कम कोई वैल्यू इनपुट करेगा तो यहाँ पर एरर मैसेज शो होगा नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो हमें नंबर यहाँ पर जीरो से ग्रेटर ही एंटर करना है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं।
साथ ही हम यहाँ पर फिर से इसी टेबल को डिजाइन व्यू में फिर से ओपन कर सकते हैं। अब इस डिजाइन व्यू में भी यदि आपको किसी फील्ड के बीच में ही एक नई फील्ड इंसर्ट करनी है तो आप उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो उसके बीच में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। उसी तरह से यदि आप किसी फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उस फील्ड पर क्लिक करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रोज पर क्लिक करेंगे तो वो रो डिलीट हो जाएगी। तो अब हम इस टेबल को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर वो जो रो है वो डिलीट हो चुकी है जो मोबाइल नंबर वाली थी, क्योंकि हम उसको डिलीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन व्यू में और साथ ही डेटा शीट व्यू में।